ये गुलाब चुनना है तो कांटे को निकालना आना भी चाहिए, नहीं तो घायल कर देते हैं ये कांटे। बेटे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। जहां अच्छी बुद्धि है वहां सुख शांति है, जहां बुरी बुद्धि है वहां विपत्तियां हैं। क्योंकि कर्म कर्म ही मनुष्य को गति प्रदान करता है। बेटे कर्म करो और उसके कर्ता बनो और फिर उसके मोक्ष का रास्ता खुद निकालना चाहिए। स्लेवरी कम्स विद अ एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम। अपने आंसुओं को टटोलो, इसमें कहीं ना कहीं आग के गोले होंगे जरूर, और इन आंसुओं से उनको सींचो। वो इन बदली छाई हुई आंखों को रोशनी से भर देंगे। तहीनता और गुलामी की सारी जंजीरों को पिघला देंगे। See you very soon in your role. Best of luck. मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुख किया जाए। सुनिए जी, लीजिए, दिवाकर ने एंट्री करवा दी है, चेक कर लीजिए। उर्मी बहू को दे दो, देख लेगी जी सब। देखिए आप उर्मी के नाम का इतना बड़बड़ के जाप मत कीजिए, जे आप ही की शय का नतीजा है जो वो घर में अपने आप को सबसे ज्यादा जरूरी बनाने पे तुली हुई है। ए, क्या दुश्मनी है यार तुम्हारी उस बिचारी के साथ, मुझे तो जे समझ में नहीं आता। अरे काहे उसके पीछे इतना पड़ी हो? इतने अंधभक्त बन गए हैं आप कि आजकल आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शौर्य ने आज जो कुछ भी किया ना, उसके पीछे उर्मी का दिमाग है। शौर्य तो बच्चा है, इतनी बड़ी हरकत कर ही नहीं सकता, बाकी दिमाग में ऐसी बात आ ही नहीं सकती है। ये उर्मी है जो शौर्य को सम्राट के खिलाफ भड़का रही है। पहली बात तुझे कि ये सब फालतू के आरोप है उर्मी बहू पर, और अगर ये सब सच भी है ना तो अच्छा है। अरे सम्राट ने का कम नरक बनाया हुआ है, और जे का बात हुई बच्चे के हाथ से उसी की मां को थप्पड़ मरवा दिया। तुमने ही ऐसा बनाया ना सम्राट को, अब उसी का बेटा उसी के जैसा बन रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, जे नियम है नियति का, अब भोगो। का भोगो? हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप हमें बार बार ताना मारे जा रहे हैं। हमारे से ज्यादा आपके बड़े भाई साहब ने सम्राट को सिखाया पड़ा है। जितनी भी बुरी आदतें हैं ना उन्हीं ने दी है, पर आप अपने बड़े भाई साहब को तो कुछ नहीं कहते। का कहना है वो? हमसे साफ साफ कह दो। अरे जब डायरेक्ट कनेक्शन है तो वाया वाया जाने से क्या फायदा हा? बोलो। जेठ जी, हाँ, जेठ जी, हम आप ही को याद कर रहे थे। हम कह रहे थे कि सम्राट की सफलता के पीछे ना आप ही की परवरिश है।
आपने सम्राट को इतनी अच्छी तरीके से तैयार किया है, उसी की बदौलत इतनी तरक्की कर रहा है वो। अब जेठ जी, अब आप आ गए ना, तो हमारी तो चिंता कम हो गई। उर्मी बहू की अकल को ना अब आप ही ठिकाने लगाना। आपने देखा ना कैसी कैसी हरकतें करती है, घर की सभ्य औरतों को जे सब शोभा देता है का? हम तो कोशिश कर करके थक गए हैं जेठ जी, बस अब आप ही हो जो उसे ठीक रास्ते पे ला सकते हो। बहू, सीधा तो हमें बहुत कुछ करना है यहाँ, अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखो। तुम अपनी बहू की चिंता ना करो, उसकी तो हम ऐसी काया पलट करेंगे ना कि तुम हैरान हो जाओगी, ये तुम्हारी बहू उर्मी है या कोई और।